नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रोजगार अवसर में, जहां हम लेकर के आते हैं आपके लिए छोटी बड़ी हर प्रकार की सरकारी नौकरी की खबर सबसे पहले सबसे तेज। दोस्तों आज तारीख है 18 जनवरी 2020 दिन शनिवार, और हर शनिवार की तरह इस शनिवार भी हम आपके लिए लेकर के आए हैं लेटेस्ट 10th पास जॉब्स। जितनी भी इस लास्ट वीक में जारी की गई हैं उन सभी वैकेंसीज की जानकारी, और उसके अलावा और भी बाकी बड़ी सभी भर्तियों की जानकारी जिनके लिए इस वक्त आवेदन चल रहे हैं। कुल मिलाकर के 24 अलग अलग महकमे हैं दोस्तों, जिसमें इस वक्त 10th पास कैंडिडेट्स के लिए भर्तियां चल रही हैं, और एक एक करके हम उन सभी वैकेंसीज के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। समय के अभाव की वजह से हम कम ही वक्त लगाएंगे दोस्तों एक वैकेंसी पर, ताकि कम से कम वक्त में आपको पूरी भर्तियों की जानकारी अच्छे से हो जाए। तो आज की सबसे पहली भर्ती आ रही है सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की तरफ से, जहां पर एमटीएस टेक्निकल्स के लिए वैकेंसीज निकली हुई हैं। 10th पास कैंडिडेट्स इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। 18 से 25 साल यहां पर जनरल कैंडिडेट्स के लिए दी गई एज लिमिट है। कैटेगरी वाइज यहां पर भी आपको एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएंगी। एक्सपीरियंस की कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। फ्रेशर कैंडिडेट्स भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली इसमें जॉब लोकेशन रहने वाली है। 18,000 से लेकर के 56,000 तक यहाँ पर सैलरी ऑफर की जा रही है। अलाउंसेस और अलग से मिल जाने के बाद अमाउंट सैलरी के रूप में इससे भी ज़्यादा आपको मिलने वाला है। 19 जनवरी 2020 इसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर कुछ भी नहीं रखी गई है। ऑफलाइन माध्यम से इसके लिए आवेदन स्वीकार किया जाएगा दोस्तों। ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जहाँ पर जाकर के आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं, और एप्लीकेशन फॉर्म भी साथ में दिया हुआ है जिसको आप डाउनलोड करके इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आज की दूसरी नोटिफिकेशन दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सेलेक्शन बोर्ड यानी कि DSSSB की तरफ से आ रही है, जहाँ पर अलग अलग वैकेंसीज हैं। इस वैकेंसी या इस पोस्ट के लिए मैंने आपको कल भी बताया था, 5x20, 6x20 और 7x20 पोस्ट कोड जो हैं उनके लिए 10th पास कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। 18 से 35 साल यहां पर एज लिमिट रखी गई है। दिल्ली इसमें जॉब लोकेशन रहने वाली है। सैलरी काफ़ी अच्छी दी जा रही है, 29,200। अलाउंसेस और मिला देने के बाद अमाउंट यहां पर भी सैलरी के रूप में आपको काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। 6 फरवरी 2020 इसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है। 100 रुपये का आवेदन शुल्क रखा जा रहा है जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। ऑनलाइन माध्यम से आप इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने का लिंक और ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की तीसरी नोटिफिकेशन HRTC यानी कि हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की तरफ से आ रही है, जहां पर ड्राइवर्स के लिए 400 वैकेंसीज पर अब भी आवेदन चल रहे हैं, और 10th पास कैंडिडेट्स के लिए ये भर्तियाँ हैं। 18 से 45 साल यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है। हिमाचल प्रदेश इसमें जॉब लोकेशन रहने वाली है। 5,910 से लेकर के 2,400 ग्रेड पे के साथ अमाउंट जो आपको यहाँ पर सैलरी के साथ मिलने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलने वाला है, और 27 जनवरी 2020 इसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है। एग्ज़ाम फ़ीस की बात करें या फिर एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो कुछ भी नहीं रखा गया, सभी के लिए आवेदन एकदम मुफ्त है, और ऑफलाइन माध्यम से आपको इसके लिए आवेदन करना है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक, जिसमें कि एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया गया है, और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। राजस्थान पुलिस की तरफ से चौथी नोटिफिकेशन आ रही है, जहां पर कांस्टेबल जनरल और कांस्टेबल ड्राइवर्स के लिए 5,000 से भी ज़्यादा पदों पर रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन निकली हुई है, जिसके लिए 10th पास कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। 2 जनवरी 1997 से लेकर के 1 जनवरी 2002 के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। एक्सपीरियंस की यहाँ पर कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। सैलरी की बात करें तो लेवल 4 की यहाँ पर सैलरी ऑफर की जा रही है, 25,500 से लेकर के 81,100 बेसिक पे। अलाउंसेस और अलग से मिला देने के बाद अमाउंट यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। ऑनलाइन माध्यम से आप इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। 19 जनवरी 2019 इसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 400 रुपये का आवेदन शुल्क रखा गया है जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। SC ST कैंडिडेट्स के लिए 350 रुपये देने होंगे। इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएंगे। आज की पांचवी नोटिफिकेशन IIT पटना की तरफ से आ रही है, जहां पर जूनियर अटेंडेंट और केयर टेकर्स के लिए भर्तियां निकली हुई हैं, जिसके लिए 10th पास कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। 18 से 27 साल यहां पर एज लिमिट रखी गई है। 10 फरवरी 2020 से ये एज कैलकुलेट की जाएगी। बिहार इसमें जॉब लोकेशन रहने वाली है। लेवल 1 की यहाँ पर सैलरी ऑफर की जा रही है, 18,000 से लेकर के 56,800। अलाउंसेस अलग से होंगे। 10 फरवरी 2020 इसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है। जनरल और ओबीसी के लिए 300 रुपये का आवेदन शुल्क रखा गया है। इसके अलावा किसी भी कैटेगरी के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं रखा गया। ऑफलाइन माध्यम से आपको इसके लिए अप्लाई करना होगा, और एप्लीकेशन फॉर्म और जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन और ऑफिशियल वेबसाइट के, वो सभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएंगे।
आज की छठी नोटिफिकेशन मुरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा दिल्ली की तरफ से आ रही है, जहां पर 10 वैकेंसीज निकली हुई हैं एमटीएस के लिए और 10th पास कैंडिडेट्स के लिए ये वैकेंसीज हैं। 18 से 25 साल यहां पर एज लिमिट रखी गई है। कैटेगरी वाइज यहां पर भी आपको एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएंगी। दिल्ली इसमें जॉब लोकेशन रहने वाली है। लेवल 1 की सैलरी ऑफर की जा रही है 18,000 प्लस अलाउंसेस और मिलाने के बाद यहां पर भी आपको सैलरी ठीक ठाक मिलने वाली है। 10 फरवरी 2020 इसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है। ₹1,000 का आवेदन शुल्क रखा गया है जनरल और ओबीसी के लिए। इसके अलावा किसी भी कैटेगरी के लिए कोई आवेदन शुल्क यहाँ पर नहीं रखा गया है। ऑफलाइन माध्यम से आपको इसके लिए अप्लाई करना है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक, जिसमें कि एप्लीकेशन फॉर्म भी है, और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की 7वीं नोटिफिकेशन बिहार स्टेट माइनॉरिटीज फाइनेंशियल कॉरपोरेशन यानी कि BSMFC की तरफ से आ रही है, जहां पर रिकवरी एजेंट्स के लिए भर्तियां निकली हुई हैं 10th पास कैंडिडेट्स के लिए। 18 से 50 साल यहां पर एज लिमिट रखी गई है। 20 जनवरी 2020 से एज कैलकुलेट की जाएगी। बिहार इसमें जॉब लोकेशन रहने वाली है और 20 जनवरी 2020 इसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है। कोई भी एप्लीकेशन फीस यहां पर नहीं रखी गई है। ऑफलाइन माध्यम से आपको इसके लिए अप्लाई करना है। इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से अप्रेंटिस के लिए 6,060 वैकेंसीज निकल रही हैं, जो कि जॉब नंबर 8 में हमने इस वैकेंसी के बारे में बताया है। और 10th पास कैंडिडेट्स इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 15 से 24 साल यहां पर एज लिमिट रखी गई है। 9 फरवरी 2020 से एज कैलकुलेट की जाएगी। ऑल इंडिया लेवल की ये भर्ती है, आप देश के किसी भी हिस्से में इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और देश के किसी भी हिस्से में आफ्टर रिक्रूटमेंट आपको जाना हो सकता है, तो मेंटली इस चीज़ के लिए तैयार रहते हुए ही आप इसके लिए आवेदन करें। अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग यहां पर स्टाइपेंड दिया जाएगा। 9 फरवरी 2020 इसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है। कोई भी आवेदन शुल्क इन भर्तियों के लिए नहीं रखा गया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक और इसके लिए अप्लाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की 9वीं नोटिफिकेशन उत्तराखंड सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन यानी कि UK SSC की तरफ से आ रही है, जहां पर फॉरेस्टर्स के लिए 316 पदों पर भर्तियां चल रही हैं। 10th पास कैंडिडेट्स इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 18 से 28 साल यहां पर एज लिमिट रखी गई है। उत्तराखंड इसमें जॉब लोकेशन रहने वाली है। 29,200 से लेकर के 92,300 यहां पर सैलरी ऑफर की जा रही है और 3 फरवरी 2020 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जनरल और ओबीसी के लिए ₹300 और SC ST कैंडिडेट्स के लिए ₹150 का आवेदन शुल्क रखा गया है। इंपॉर्टेंट सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर मिल जाएंगे। आज की 10वीं नोटिफिकेशन कस्टम डिपार्टमेंट्स की तरफ से आ रही है, जहां पर स्टाफ कार ड्राइवर्स के लिए 32 वैकेंसीज निकली हुई हैं। 10th पास कैंडिडेट्स इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। 18 से 27 साल यहां पर एज लिमिट रखी गई है। 1 जनवरी 2019 से एज कैलकुलेट की जाएगी। 3 साल के यहां पर एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट रखी गई है ड्राइविंग की और मुंबई इसमें जॉब लोकेशन रहने वाली है। 19,900 से 63,200 यहां पर सैलरी ऑफर की जा रही है और अलाउंसेस और अलग से मिला देने के बाद अमाउंट आपको यहां पर सैलरी के रूप में काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। 27 जनवरी 2020 इसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है। कोई भी आवेदन शुल्क इन भर्तियों के लिए नहीं रखा गया है और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। ऑफलाइन माध्यम से आपको इसके लिए आवेदन करना है, इसलिए 27 जनवरी 2020 आपकी एप्लीकेशन के पहुंचने की लास्ट डेट है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। DRDO की तरफ से 11वीं नोटिफिकेशन आ रही है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन MTS के लिए 1,817 पदों पर भर्तियां चल रही हैं 10th पास कैंडिडेट्स के लिए और 23 जनवरी 2020 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ₹100 का मात्र आवेदन शुल्क है। और सैलरी की बात करें तो लेवल 1 की यहां पर सैलरी ऑफर की जा रही है, जो कि ₹18,000 है और 56,900 तक जाती है। अलाउंसेस और अलग से एड ऑन होने के बाद अमाउंट आपको यहां पर सैलरी के रूप में काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। ऑनलाइन माध्यम से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक और इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की 12वीं नोटिफिकेशन आ रही है शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंस फॉर वुमन की तरफ से, जहां पर MTS लेबोरेटरी के लिए 17 वैकेंसीज निकली हुई हैं। 10th पास कैंडिडेट्स इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 18 से 27 साल यहां पर एज लिमिट रखी गई है। दिल्ली इसमें जॉब लोकेशन रहने वाली है। लेवल 1 की यहां पर सैलरी ऑफर की जा रही है। 18,000 बेसिक पे है, अलाउंसेस और अलग से मिल जाएंगे इसमें, तो अमाउंट यहां पर भी सैलरी के रूप में काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। 24 जनवरी 2020 इसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है। ऑफलाइन माध्यम से आपको इसके लिए आवेदन करना है, इसलिए 24 जनवरी तक आपके डॉक्यूमेंट्स पहुंच जाने चाहिए। जनरल और ओबीसी के लिए ₹250 का आवेदन शुल्क रखा गया है। इसके अलावा SC ST के लिए ₹100 का आवेदन शुल्क रखा गया है। PWD कैंडिडेट्स के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है। ऑफलाइन माध्यम से आपको इसके लिए आवेदन करना है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक, जिसमें कि एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया गया है
और इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक, दोनों ही लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे दिए हैं। आज की 13वीं नोटिफिकेशन आ रही है दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी कि DSSSB की तरफ से, जहां पर जूनियर स्टेनोग्राफर्स पोस्ट कोड 100/20 के लिए 16 वैकेंसीज ऐसी निकली हुई हैं जिसके लिए 10th पास कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। पोस्ट कोड का आपको विशेष ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि सिर्फ इसी पोस्ट कोड की स्टेनोग्राफर्स की भर्ती के लिए 10th पास कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। बाकी स्टेनोग्राफर्स की और भी वैकेंसीज निकली हैं और उसमें ग्रेजुएशन रखी गई है, इसलिए इस बात का ध्यान आपको रखना है कि पोस्ट कोड 100/20 के लिए ही आपको अप्लाई करना है। मैक्सिमम 27 साल यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है। दिल्ली इसमें जॉब लोकेशन रहने वाली है। लेवल 4 की सैलरी ऑफर की जा रही है 25,500 से 81,100, अलाउंसेस अलग से होंगे। 27 फरवरी 2020 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और 28 जनवरी 2020 से इसके लिए आवेदन स्टार्ट होंगे। जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपये का आवेदन शुल्क रखा गया है। इसके अलावा किसी भी कैटेगरी के लिए कोई आवेदन शुल्क यहाँ पर नहीं रखा गया है। ऑनलाइन माध्यम से इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक और इसके लिए अप्लाई करने का लिंक, दोनों ही लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। आज की 14वीं नोटिफिकेशन आ रही है सैनिक स्कूल रेवा की तरफ से, जहां पर जनरल एम्प्लॉयज़ और वार्ड बॉयज़ के लिए भर्तियां निकली हुई हैं जिसके लिए 10th पास कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। मैक्सिमम 50 साल यहां पर एज लिमिट रखी गई है। 1 अप्रैल 2020 से ये एज कैलकुलेट की जाएगी। मध्य प्रदेश रेवा इसमें जॉब लोकेशन रहने वाली है। 18,000 की सैलरी ऑफर की जा रही है दोस्तों। 30 जनवरी 2020 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 500 रुपये का आवेदन शुल्क रखा गया है और ऑफलाइन माध्यम से आपको इसके लिए आवेदन करना है। इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से क्लास सी और क्लास डी की भर्तियां चल रही हैं। 9 वैकेंसीज टोटल निकाली गई हैं 10th पास कैंडिडेट्स के लिए। 18 से 25 साल एज लिमिट रखी गई है। 25 जनवरी 2020 से एज कैलकुलेट की जाएगी। महाराष्ट्र इसमें जॉब लोकेशन रहने वाली है। 18,000 रुपये की सैलरी ऑफर की जा रही है। 25 जनवरी 2020 इसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है और ये आपकी एप्लीकेशन के पहुँचने की लास्ट डेट है, क्योंकि ऑफलाइन माध्यम से आपको इसके लिए आवेदन करना है। कोई भी आवेदन शुल्क इसमें रखा नहीं गया है। सभी के लिए आवेदन निःशुल्क है। ऑफिशियल वेबसाइट और एप्लीकेशन फॉर्म, ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की 16वीं नोटिफिकेशन आ रही है सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से चेन्नई से, जहाँ पर कैंटीन अटेंडेंट्स के लिए भर्तियाँ निकली हुई हैं 10th पास कैंडिडेट्स के लिए। मैक्सिमम 25 साल यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है। 17 जनवरी 2020 से ये एज कैलकुलेट की जाएगी। चेन्नई इसमें जॉब लोकेशन रहने वाली है। लेवल 1 की यहाँ पर सैलरी ऑफर की जा रही है 18,000 से 56,900, अलाउंसेस अलग से। 31 जनवरी 2020 इसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है। कोई भी आवेदन शुल्क यहाँ पर भी नहीं रखा गया है। सभी के लिए आवेदन एकदम निःशुल्क है। ऑफलाइन माध्यम से आपको इसके लिए अप्लाई करना है। तो 31 जनवरी 2020 आपकी एप्लीकेशन के पहुँचने की लास्ट डेट है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 17वीं वैकेंसी आ रही है आज की हैवी वाटर बोर्ड यानी कि HWB की तरफ से, जो कि इंडियन गवर्नमेंट एटॉमिक एनर्जी की तरफ से यहाँ पर ये भर्ती है। और टेक्नीशियन ग्रेड सी के लिए पोस्ट कोड 24, पोस्ट कोड 26, पोस्ट कोड 27 और पोस्ट कोड 29 के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। 10th पास कैंडिडेट्स के लिए यही पोस्ट कोड हैं जिनके लिए भर्तियाँ चल रही हैं। टेक्नीशियंस ग्रुप सी के लिए 18 से 29 साल एज लिमिट रखी गई है। बाकी सभी वैकेंसीज के लिए 18 से 27 साल एज लिमिट रखी गई है। ऑल इंडिया लेवल की ये भर्ती है दोस्तों। और सैलरी की बात करें तो लेवल 3 की यहाँ पर सैलरी ऑफर की जा रही है 25,500 से 81,100, अलाउंसेस अलग से होंगे। हालांकि स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए 34,000 रुपये सैलरी ऑफर की जा रही है। अलाउंसेस और उसमें अलग से मिला देने के बाद अमाउंट आपको सैलरी के रूप में काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। ड्राइवर्स की वैकेंसीज की बात की जाए तो 19,900 से 63,200 यहाँ पर सैलरी ऑफर की जा रही है लेवल 2 की, अलाउंसेस अलग से होंगे। 31 जनवरी 2020 इसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है। 100 रुपये का आवेदन शुल्क रखा गया है जनरल और ओबीसी के लिए। इसके अलावा SC ST कैंडिडेट्स के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं है। ऑनलाइन माध्यम से आपको इसके लिए आवेदन करना है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक और इसके लिए अप्लाई करने का लिंक, दोनों ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज की 18वीं नोटिफिकेशन आ रही है दिल्ली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, जहां पर वाइल्ड लाइफ गार्ड और गेम वॉचर के लिए 11 वैकेंसीज निकली हुई है 10th पास कैंडिडेट्स के लिए। मैक्सिमम 27 साल यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है। 13 फरवरी 2020 इसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है। दिल्ली इसमें जॉब लोकेशन रहने वाली है। लेवल 1 की यहाँ पर सैलरी ऑफर की जा रही है 18,000 से लेकर 56,800, अलाउंसेस अलग से होंगे। 13 फरवरी 2020 इसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है। जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपये का आवेदन शुल्क रखा गया। ऑनलाइन माध्यम से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑफिशियल
वेबसाइट का लिंक और ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आज की 19वीं नोटिफिकेशन आ रही है ICAR इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से, जहां पर फील्ड असिस्टेंट्स के लिए 2 वैकेंसीज निकली हुई हैं 10th पास कैंडिडेट्स के लिए। मैक्सिमम 35 साल यहां पर एज लिमिट रखी गई है। दिल्ली इसमें जॉब लोकेशन रहने वाली है। 16,962 रुपये की फिक्स सैलरी यहाँ पर मंथ दी जाएगी। वॉक इन कंडक्ट किया जा रहा है इसके लिए 23 जनवरी 2020 को सुबह 9:30 बजे, और एप्लीकेशन फीस यहाँ पर कुछ भी नहीं रखी गई है। सिंपली आपको वॉक इन में अपीयर होना है और ऑफिशियल वेबसाइट और ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक, जिसमें कि एप्लीकेशन फॉर्मेट भी दिया गया है, हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। इसके अलावा आज की 20वीं वैकेंसी आ रही है सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश की तरफ से, जहाँ पर ग्रुप सी के लिए वैकेंसीज निकली हुई हैं। 10th पास कैंडिडेट्स इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। मैक्सिमम 45 साल यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है और हिमाचल प्रदेश यहाँ पर जॉब लोकेशन रहने वाली है। लेवल 2 की सैलरी ऑफर की जा रही है 19,900 से 63,200, अलाउंस अलग से होंगे। 31 जनवरी 2020 तक ऑनलाइन माध्यम से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, और 500 रुपये का यहाँ पर आवेदन शुल्क रखा जा रहा है जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए। इसके अलावा SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए कोई भी आवेदन शुल्क यहाँ पर नहीं रखा गया। ऑफिशियल नोटिफिकेशन और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज की 21वीं नोटिफिकेशन सैनिक स्कूल चंद्रपुर महाराष्ट्र की तरफ से आ रही है, जहां पर जनरल एम्प्लॉयज वार्ड बॉयज़ और ग्रुप सी की बाकी भी और भर्तियां निकली हुई हैं, जिसके लिए 10th पास कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। 18 से 50 साल यहां पर एज लिमिट रखी गई है। चंद्रपुर महाराष्ट्र इसमें जॉब लोकेशन रहने वाली है। लेवल 1 की सैलरी ऑफर की जा रही है 18,000 प्लस DA प्लस अलाउंसेस, तो अमाउंट यहां पर सैलरी के रूप में आपको काफ़ी ठीक ठाक मिलने वाला है। 30 जनवरी 2020 इसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है। जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये का आवेदन शुल्क रखा जा रहा है। इसके अलावा किसी भी कैटेगरी के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है। ऑफलाइन माध्यम से आपको इसके लिए आवेदन करना है। इसका मतलब है कि 30 जनवरी 2020 तक आपकी एप्लीकेशन पहुंच जानी चाहिए। ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल नोटिफिकेशन और फॉर्म को, एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। आज की 22वीं नोटिफिकेशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू की तरफ से आ रही है, जहां पर ड्राइवर्स के लिए भर्तियां निकली हुई हैं। 30 साल मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। 3 साल के एक्सपीरियंस की, ड्राइविंग एक्सपीरियंस की यहाँ पर रिक्वायरमेंट रखी गई है 10th पास कैंडिडेट्स के लिए। और लेवल 2 की यहाँ पर सैलरी ऑफर की जा रही है 19,900 से 63,200, अलाउंसेस अलग से होंगे। 13 फरवरी 2020 इसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है। ऑनलाइन माध्यम से आपको इसके लिए अप्लाई करना है। 1,000 रुपये का आवेदन शुल्क रखा गया है जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए। इसके अलावा किसी भी कैटेगरी के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है। इंपॉर्टेंट सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तमिलनाडु कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन लिमिटेड यानी कि TCMPF की तरफ से 23वीं नोटिफिकेशन आ रही है, जहां पर ऑफिस असिस्टेंट और ड्राइवर्स के लिए भर्तियां निकली हुई हैं 10th पास कैंडिडेट्स के लिए। 18 से 30 साल यहां पर एज लिमिट रखी गई है। लेवल 2 की सैलरी ऑफर की जा रही है 19,900 से 63,200, अलाउंसेस अलग से होंगे। 12 फरवरी 2020 तक ऑफलाइन माध्यम से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तमिलनाडु इसमें जॉब लोकेशन रहने वाली है। इंपॉर्टेंट सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज की 24वीं और आखिरी नोटिफिकेशन इंडियन नेवी की तरफ से आ रही है, जहां पर सेलर्स के लिए हाल ही में स्पोर्ट्स कोटा के अंडर में भर्तियां निकाली गई हैं MR के लिए यानी कि मैट्रिक रिक्रूट्स के लिए। 10th पास कैंडिडेट्स के लिए ये भर्तियां हैं। 17 से 21 साल यहां पर एज लिमिट रखी गई है। ऑल इंडिया लेवल की ये भर्ती है दोस्तों। लेवल 3 की सैलरी ऑफर की जा रही है 21,700 से 69,100, अलाउंसेस अलग से होंगे। 26 जनवरी 2020 इसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है। ऑफलाइन माध्यम से आपको इसके लिए आवेदन करना है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन और ऑफिशियल वेबसाइट और एप्लीकेशन फॉर्म, तीनों लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। तो दोस्तों, ये हैं वो 10th पास वैकेंसीज जो इस वक्त भर्तियां चल रही हैं देश भर में। ये वैकेंसीज इस वक्त ऑन स्टेज में हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है ये वीडियोज़ और ये पूरी रिसर्च करने में, तो एक लाइक दोस्तों हमारे लिए आप ज़रूर रखें। तो कल इसी समय दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई अगले 24 घंटे में जारी होने वाली वैकेंसीज के साथ, जिसकी जानकारी हम मंडे से फ्राइडे तक आपके लिए लेकर के आते हैं, और सैटरडे को हम सभी वैकेंसीज का कॉम्बिनेशन आपके लिए लेकर के आते हैं। तो दोस्तों, कल इसी समय दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।